देशी कट्टा व तलवार रख कर फर्जी नंबर वाली स्कॉर्पियो वाहन चलाने वाले दो आरोपी गणों को एक एक वर्ष का सश्रम कारावास। नमस्कार, आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। श्रीमती पुष्पा देलगाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीमच द्वारा बिना लाइसेंस अवैध 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा राउंड एवं धारदार तलवार कब्जे में रखते हुए बिना इंजन नंबर व 24 नंबर वाली एवं फर्जी नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो वाहन चलाने वाले दो आरोपी गण नसरुद्दीन पिता शाबिर शाह फकीर उम्र 30 वर्ष निवासी बिजली ऑफिस के पास थाना भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान एवं मोहम्मद अकील पिता मोहम्मद सलीम मंसूरी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सुबी थाना छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ राजस्थान को धारा 25 आयुक्त अधिनियम 1959 के अंतर्गत एक एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपए अर्थदंड एवं धारा 482 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत एक एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली ADPO श्रीमती कीर्ति शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 9 सितंबर 2016 को रात्रि के लगभग 9 बजे थाना नीमच कैंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डुलावदा की कुड़िया के पास की है। थाना नीमच कैंट में पदस्थ SI BD जोशी को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम डुलावदा के पास से एक सफेद रंग के स्कॉर्पियो वाहन में कुछ लोग अवैध हथियार रख कर नीमाहेड़ा राजस्थान की तरफ से आ रहे हैं, जो कोई घटना कारित कर सकते है। मुखबिर सूचना के आधार पर SI BD जोशी मय फोर्स डुलावदा कुड़िया के पास नाकेबंदी की गई, जहां पर उन्हें सफेद रंग की स्कॉर्पियो वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसे घेराबंदी कर रोका एवं उसकी तलाशी लिए जाने पर डैशबोर्ड की डिक्की में एक 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा राउंड तथा बीच वाली सीट के नीचे एक तेज धारदार तलवार मिली, जिनका आरोपी गण के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। मौके से आरोपी गण को गिरफ्तार किया एवं स्कॉर्पियो वाहन व हथियारों को जब्त करते हुए इनके विरुद्ध पुलिस थाना नीमच कैंट में अपराध क्रमांक 503/16 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। प्रकरण में विवेचना के दौरान यह पाया गया कि आरोपी गण द्वारा स्कॉर्पियो वाहन के इंजन नंबर व 24 नंबर को मिटा दिया गया है तथा वाहन की जो नंबर प्लेट लगी है वह भी फर्जी होना पाई गई है, जिस कारण प्रकरण में धारा 482 भारतीय दंड संहिता 1860 की वृद्धि कर शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अन्य आरोपी गण सिकंदर मोहम्मद आरिफ व प्रकाश विश्नोई के फरार हो जाने से शेष आरोपी गण के संबंध में विचारण उपरांत निर्णय पारित किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जब्तीकर्ता अधिकारी विवेचक व फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी गण को कठोर दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी गण को उपयुक्त दंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पेशी श्रीमती कीर्ति शर्मा ADPO द्वारा की गई। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब